सुकून ही चाहते हो ना, तो अल्लाह ताला की याद को अपने दिल में क्यों नहीं बसाते? तुम उससे बातें करना चाहते हो तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? और अगर ये चाहते हो कि वो तुमसे बातें करे तो फिर कुरान हकीम को क्यों नहीं पढ़ते? ये चाहते हो ना कि उसकी रहमतें तुम पर हमेशा बरसें, तो फिर उसके बंदों से मोहब्बत क्यों नहीं करते? वो जो कहता है उससे दूर भागते हो, और वो जिससे मना करता है उसे तुम छोड़ने को तैयार नहीं, तो फिर तुम ही बताओ कि तुम्हें सुकून कैसे मिले, तुम्हारी परेशानियां कैसे खत्म हों। टाइम मिले तो जरा सोचना जरूर।